On behalf of the National Forum of the BJP, we would like to say with full sense of responsibility that after being rebuffed by the people of India, the Congress Party, its allies, and its closest allies, the Toolkit Gang, have conspired together to usher in economic anarchy and instability in India. देश में आर्थिक अराजकता और आर्थिक अस्थिरता स्वाभाविक है हिंडनबर्ग इज अगेन एट द सेम गेम ये रिपोर्ट शनिवार को रिलीज होती है रविवार को हल्ला मचता है ताकि सोमवार को पूरे कैपिटल मार्केट को अस्थिर कर दिया जाए थोड़ा इसके बैकग्राउंड को समझना जरूरी है भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज गति से बढ़ रही है इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं क्या वर्ल्ड बैंक क्या मोदीज क्या अदर्स सबों ने भारत की ग्रोथ रेट को बहुत अप्रिशिएट किया भारत आए, है भारत में वन ऑफ द हाइएस्ट ग्लोबल एफ आई आई एफ डी आई आए हैं भारत में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी हैं छोटे इन्वेस्टर भी हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से बहुत खुश हैं इंडिया इज ए सेफ स्टेबल एंड प्रॉमिसिंग मार्केट इन द शेयर एज वेल सेबी का काम क्या है सेबी को उसकी कानूनी जिम्मेवारी है कि ये मार्केट ठीक चले जो मित्र इसको फॉलो करते हैं आपको मालूम है कि सेवी एक्ट में सुनवाई का प्रावधान है निर्णय होता है उस निर्णय के खिलाफ एक अपील का भी प्रावधान है जहां जजेस भी बैठते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज और उसके खिलाफ एक अपील का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में भी है तो एक पूरा स्टेच्यूटरी स्ट्रक्चर है कि भारत के कैपिटल मार्केट को किस तरह से मैनेज किया जाए मैं एनआर के कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं मैंने जानबूझ के जिम्मेवारी से इकोनॉमिक एनआरकी के शब्दों का प्रयोग किया है पहले हिडन में रिपोर्ट आई थी आपको मालूम है उसकी डेट आपको मालूम है कि जनवरी में ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का 24 में 22 इंक्वायरी कंप्लीट हो गई थी बाद में एक और कंप्लीट हो गई तो वो एक लीगल प्रोसेस है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चला है अच्छा होता जो राजीव गांधी और कांग्रेस के लोग जेपीसी जेपीसी की बात करते हैं बड़े वकीलों की फौज है उनके साथ तो पेश हो जाते उसी में, इंटरविन करते उसमें कुछ नहीं किया उसके बाद हिंडनबर्ग को नोटिस दी जाती है जुलाई में कि आपने जो आरोप लगाया कानून के विरोध में आप जवाब दीजिए हिंडनबर्ग ने वो रिपोर्ट वो नोटिस अपने वेबसाइट पर भी दी है जिसमें उनको नोटिस क्यों भेजी गई है वो भी कारण है उसका जवाब देने की बजाय अब ये फ्रंट खोला गया है मैं फिर रिपोर्ट कर रहा हूं कि जब हिंडनबर्ग के खिलाफ बाकायदे से एक नोटिस किया जुलाई में अपनी पूरी इंक्वायरी कंप्लीट करने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के दुर्क्षण में हुई थी उनके आदेश के कारण हुई थी तब अपने बचाव के पक्ष में कोई जवाब दिए बिना उन्होंने अटैक किया है बेसलेस अटैक जिसका जवाब एक ग्रुप ने दिया है हमें कुछ नहीं कहना है जिसका जिसका जवाब सेबी के चेयरपर्सन ने दिया उनके परिवार ने दिया मैं कुछ नहीं कहना है जिसका जवाब सेबी ने भी दिया है